The end of the month and the weekend. I'ma spend this track, everything on me. Yeah, I'ma tip myself, I'ma spend it on myself. I'ma drop it like it's pouring, I'ma pour it on myself. Check, 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 check the money, making think account number. That's that shit that's never getting bounced on. You should do the money that's किसी पे असर बंध गए एक ही डोर से हम मगर हो ना पाया किसी का किसी पे असर दूरियां इस कदर की बड़ी दरमियां दूरियां इस कदर की बड़ी
रहकर भी कोई नहीं है खबर। इश्क सुभान अल्लाह, इश्क सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है इश्क सुभान अल्लाह, इश्क सुभान अल्लाह, इश्क सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है इश्क सुभान पछताएगा। उम्र भर दुख भरे गीत ही गाएगा। प्यार तुझसे वाह जिमी, क्या डांस किया है, मेरा तो दिल जीत लिया तुमने। तुम्हें पता है मैं जब ऐसे देख रही थी ना तो मुझे लग रहा था कि क्यों कोई दो डांसर कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे फ्रेंड की वजह से तुम्हारी फ्रेंड का डांस थोड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि मेरा दोस्त तो है ही डांसर, क्यों है ना यूंगी? मेरी हर बात में बीच में बोलना जरूरी है क्या बंदर कहीं का? अच्छा मैं बंदर तो तुम बदरिया, तुम सब कुछ हो चुड़ैलों की रानी, तुम गधा तो तुम गधी, तुम हर चीज में फीमेल में आती हो, तो मैं तुम्हें हर चीज में फीमेल में कहूँगा तो तुम चुप हो जाओ, क्योंकि मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों तुम ऐसा बोलते हो कि मुझे तुम्हें एकदम गंदे वर्ड बोलने पड़े? मैं नहीं बोलना चाहती तुम्हें। एक मिनट, तुमने ड्रिंक की है? तुम लड़कियों की ड्रिंक करती हो? तुम्हें पता है सिर्फ लड़के ड्रिंक कर सकते हैं, लड़कियों के लिए नहीं है, नहीं पीना चाहिए तुम्हें। ब्राइट को देखकर जीवन वहाँ से भाग जाती है, ब्राइट भी उसके पीछे पीछे जाता है, और ये सब यूंगी देख रहा था। ये ब्राइट जीवन के पीछे क्यों जा रहा है? फिर उसके बाद योंगी भी ब्राइट के पीछे पीछे जाता है, तो वो देखता है कि ब्राइट एक वॉशरूम में चला गया था। ओह तो वो वॉशरूम जा रहा था, मैंने कुछ और ही सोच लिया। एनीवे अब मुझे चलना चाहिए। लेकिन जिमिन इधर क्या कर रही है? क्या वो भी वॉशरूम में है? लेकिन वो तो नहीं गई। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम मेरे पीछे पीछे आए हो? मैं और तुम्हारे पीछे कभी नहीं। वो तुम्हें मैं अपने दोस्त को देखने आया था, वो वॉशरूम में है बस इसलिए आया था। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ पर हैंड वॉश करने आई थी। एनीवे मैं जा रही हूँ। अरे यूंगी तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तू मेरा वेट कर रहा था सच में? ब्राइट को सामने देखकर जिमिन तुरंत यूंगी का हाथ कसकर पकड़ लेती है, और ये सब हरकतें यूंगी को बहुत अजीब लग रही थी। एक मिनट, तुम ये क्या कर रही हो? मेरा हाथ छोड़ो, देखो तुमने बहुत कसकर पकड़ रखा है मेरा हाथ। तुम होश में हो, क्या कर रही हो तुम? ओह लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। ठीक है चलो मेरे साथ। I'm sorry, मैंने गलती से पकड़ लिया। It's okay, अब मैं जा रहा हूँ। Right, जल्दी आ जाना। इतना बोलकर योंगी वहाँ से चला जाता है। जिमिन भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है, लेकिन Right उसका हाथ पकड़ के पीछे खींच लेता है। अरे रे घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाला। एनीवे मैं तो बस यहाँ पर वॉशरूम में आया था, तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ? नो, मैं बस यहाँ पर वॉशरूम में आया था। और तुम्हें एक बात बताऊँ, शायद तुम्हें पता नहीं होगी, तुम जिसे शादी करने वाली हो ना, मैं उसका कजन हूँ और मैं उसी के घर पे रहता हूँ। तो फिर तुम सोचो कि तुम कॉलेज में मुझसे इतना भागती हो, और वहाँ पर शादी की बात तो तुम वहीं रहोगी, फिर तुम्हारा क्या होगा? मैं तो हर टाइम हर वक्त तुम्हारे ही साथ रहूँगा ना। ब्राइट की बातें जिमिन बहुत गौर से सुनती है, और उसे अंदर से बहुत डर लग रहा था। उसके बाद वो उसका हाथ छुड़ाती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर भाग गई। कब तक भागोगी जिमिन, कब तक? मैं तुम्हें एक ना एक दिन तो पकड़ ही लूंगा, एक बार शादी हो जाने दो, उसके बाद देखो। मैं वहाँ पर रहूँगा तुम्हारे पास हर वक्त। तुम सड़े हुए आलू, तुम सब कुछ हो, जो भी तुमने मुझे बोला उल्टा तुम्हें, सेम टू यू, तुम सब कुछ हो। मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं जा रहा हूँ घर। तुम दोनों की अभी तक लड़ाई नहीं खत्म हुई, पार्टी खत्म होने वाली है और तुम लोग अभी तक लड़ रहे हो। जाकू चल देख, तुझे तो बहुत ज्यादा नशा हो गया है, लगता है तू बहुत ड्रंक हो गया है। घर चल, देखना आंटी अंकल तुझे कितना डांटेंगे। अच्छा मेरे मॉम डैड? मैं अपने मॉम डैड से नहीं डरता, खास करके अपने डैड से इतना नहीं डरता कि मैं उनके सामने कुछ बोल देता हूँ ना तो वो चुप हो जाते हैं। मैं तो इनके ऊपर गुस्सा भी कर देता हूँ, डैड कुछ नहीं बोल पाते, मैं उनसे बिल्कुल नहीं डरता। हाँ इतना बहुत ही है, इतना बहुत है ना चंकू को
अंकल आंटी हमें भी डांटेंगे कि हमने इसे रोका क्यों नहीं, लेकिन उन्हें क्या पता ये हमारी बात सुनता थोड़ी ना है। तुम लोग कितने गंदे हो, तुम लोग सिर्फ अपने दोस्त को लिए जा रहे हो, मुझे भी मेरे घर छोड़ दो प्लीज। जाओ 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 अपने दोस्त के पास जाओ, ये लोग मेरे दोस्त हैं तो मुझे लेकर जाएंगे घर। तुम्हें क्यों लेकर जाए, इसकी फ्रेंड का इसको बुलाओ। पर बनी मुझे तुम्हारे साथ जाना है, अब वो मुझे तुमसे लड़ाई करनी है तुम्हारे घर पे। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अरे यार इसके दोस्त जिमिन को बुलाओ वरना ये हमारे साथ ही लटक जाएगी। ते ये तुम क्या कर रही हो, उन लोगों के साथ क्यों जा रही हो? चलो मैं तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ, चलो मेरे साथ। आ, मेरी फ्रेंड जिमिन, हाँ तो मैं जा रही हूँ, बाय हॉट एंड सेक्सी बॉयज। ओ शिट यार, मुझे रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था, आज से पहले मैंने कभी भी इसके मुंह से खुद के लिए इतने अच्छे से शब्द नहीं सुने, मुझे तो और सुनने का मन कर रहा है, काश मैं इसे रिकॉर्ड कर लेता। हॉट और सेक्सी तो बोला है और ये तो सब बोलते हैं ना, तो इतना ज्यादा शौक होने की क्या जरूरत है। हाँ सब बोलते हैं लेकिन इसने पहली बार बोला है, इसके मुंह से खुद के लिए इतने अच्छे अच्छे शब्द सुन के मेरी आंखों में तो आंसू ही आ गया। चलो घर जाते हैं। बेचारा जंगकुक, हमने तो इसकी बैंड बजा के रख दी। फिर उसके बाद वो दोनों जंगकुक को लेकर उसके घर चले जाते हैं। ऐसे ही सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। ओह शिट, मुझे पार्टी में चले जाना चाहिए था, मैं जेहोप को सब कुछ बता तो देती लेकिन मैं ही नहीं गई। एनीवे कल सीधे जेहोप को जाकर सब कुछ बता दूंगी, लेकिन आज रात मुझे नींद ही नहीं आएगी। थैंक यू बेटा तुम को यहाँ पर छोड़ने के लिए, एंड हाँ तुम ध्यान से जाना ठीक है। इट्स ओके आंटी, आपको थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी फ्रेंड है तो उसे सेफली घर पहुँचाना मेरा फर्ज था, तो अब मैं चलती हूँ, काफी रात हो गई है। बाय आंटी, अच्छा ध्यान रखिएगा और तुम का भी। ओके बाय बेटा। चलो जिमिन तो चली गई और अब इसका क्या करूं? Oh my God, तुम तुमने कितनी ड्रिंक कर ली है, तुम तो पूरी ड्रंक हो गई हो, तुम्हें इतनी ड्रिंक करने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा था एंजॉय करो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ड्रिंक पे ड्रिंक ही करती चली गई। अब तुम्हें मेरी बात सुनाई दे रही है कि नहीं? ये ऊपर क्या देख रही हो? हाँ मम्मा, आसमान में कितने तारे हैं। बेटा अब रुलाओगी क्या, इतना तो सेंस रखो ना, ऊपर छत है ना कि तारे, तुम्हें तारे कहाँ से दिख रहे हैं? फिर किसी तरह त्योंग की मॉम त्योंग को उसके रूम में लेकर जाती है और वहाँ पर सुला देती है। ओ गॉड त्योंग, मुझे आपसे कितनी इम्पोर्टेंट बात करनी थी लेकिन आप तो ड्रंक हो। वैसे आपको एक बात पता है, मैंने सोचा है कि मैं तुम्हारी एंगेजमेंट जंगकुक के साथ संडे को कर दूँ, क्योंकि संडे को सब लोग फ्री रहते हैं और अच्छा भी रहेगा। ओके अच्छी बात है, मुझे अब नींद आ रही है मम्मा। थैंक यू सो मच बेटा। ओके तो तुम आराम करो, मैं चलती हूँ। चलो तुम्हारी परमिशन भी मिल गई है, देखो मैंने तुम्हारी बातें रिकॉर्ड कर ली हैं। अगर तुम सुबह पढ़ो तो मैं यही रिकॉर्डिंग तुम्हें सुनाऊंगी, फिर तो तुम्हें माननी पड़ेगी। बाय स्वीट ड्रीम्स। यस डैड, बोलिए आपने मुझे क्यों बुलाया था? नशा उतर गया तुम्हारा? हाँ डैड उतर गया। वैसे आपने मुझे क्यों बुलाया? बिना कोई बहस किए मेरी पूरी बात सुनी है और बिना कोई लड़ाई किए चुपचाप मेरी बात मान लेना। वैसे डैड ऐसा क्या बोलने वाले हो आप जो इतना ज्यादा मुझे वार्निंग दे रहे हो? एनीवे मैंने आज तक आपकी बात टाली जो टालूंगा, बोलिए क्या बात है? ओके तो सुनो, देखो मैं तुम्हारी एंगेजमेंट के बारे में है तो प्लीज डैड अभी मत बोलिए क्योंकि मेरे सर में पेन हो रहा है, आपकी बातें सुनकर और दर्द होगा तो मैं नहीं सुनना चाहता। चलो कोई बात नहीं, ये तो अच्छी बात है कि तुम मेरी बात बिना सुने ही मेरी बातों पे अमल करने को तैयार हो। एनीवे इतना बता देता हूँ कि कल संडे है ना, तो कल ही तुम्हारी एंगेजमेंट होगी, वो भी शाम को। डैड मैंने आपसे पहले ही बता दिया था मैं ये एंगेजमेंट नहीं करूँगा, फिर भी आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? आपने कहा कि मैं उसके साथ डेट पर जाऊं, मैं गया, मैं उसे मिला भी, मैंने उससे बात भी की, लेकिन मैं अब उसे एंगेजमेंट नहीं कर सकता। आप मेरी लाइफ के साथ कैसे खेल सकते हो डैड? हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं तुम्हारी लाइफ के साथ नहीं खेल सकता। ठीक है तुम्हें जैसे जीना है जियो, जिसे शादी करनी है करो, लेकिन हाँ इतना भूल जाना कि तुम किसी कंपनी के सीईओ बनने वाले थे। क्या? नहीं डैड आप ऐसा नहीं कर सकते, मेरा कॉलेज खत्म होने वाला है और उसके बाद मैं आपकी कंपनी संभालूंगा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं आपका लौटा बेटा हूँ ना, तो आपकी प्रॉपर्टी भी मेरा ही हक है और किसी का नहीं हो सकता, तो प्लीज डैड ऐसा मत करिए। वही तो मैं कह रहा हूँ।
शादी कर लोगे तो जैसे तुम्हारा कॉलेज खत्म होगा मैं अपनी कंपनी तुम्हें दे दूंगा। लेकिन अगर तुम तेजी शादी करने के लिए मना करते हो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें कोई भी कंपनी नहीं दूंगा। मेरी दो कंपनी है ना, एक लंदन में और यहाँ। मैं दोनों कंपनी तुम्हें नहीं दूंगा, अपनी सारी प्रॉपर्टी मैं गवर्नमेंट को दे दूंगा, लेकिन तुम्हें तो नहीं दूंगा। तुम रहना, जिससे शादी करना ना उसी के साथ रहना और उसके घर में घर जमाई बन के रहना। इट्स ओके, मुझे नहीं लगता कि तुम शादी के लिए मानोगे। कोई बात नहीं, तुम शादी मत करो और नहीं एंगेजमेंट करो। तुम्हें जैसे जीना है जियो और मुझे जो करना होगा मैं करूँगा। नो डैड, अच्छा ठीक है मैं करूँगा तेरे एंगेजमेंट। और हाँ प्लीज, कॉलेज खत्म होने के बाद मुझे सीईओ बना देना, बिकॉज मुझे पता है जैसे ही कॉलेज खत्म होगा सबके पेरेंट्स अपने बच्चों को अपनी कंपनी दे देंगे, तो मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसे ही बेरोजगार रह जाऊं। तो आप प्लीज मुझे दे देंगे? ओके फाइन, ये रो पेपर्स, इसे साइन करो, बिकॉज इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर तुम अपनी बातों से पलटे तो ये सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट में चली जाएगी। नो डैड, मैं कर रहा हूँ।